बाराबंकी पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर नकली शराब बेचने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि असंदरा थाना क्षेत्र में शराब बनाने का गोरख धंधा फल फूल रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की तो बड़ी तादाद में शराब का जखीरा बरामद हुआ है, लेकिन शराब के कारोबार में लगे लोग मौका देखते हुए फरार हो गए। एक शख्स ही पुलिस के हत्थे चढ़ सका। ये देखिए, बीती रात असंदरा पुलिस ने एक बहुत बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो एक बहुत बड़े सामाजिक कुरीतियों को जन्म दे रहा था। अवैध शराब बनाने का कारखाने का उन्होंने भंडाफोड़ किया है। इन्होंने अपने इन्फॉर्मर की सूचना पे रात में नाकाबंदी की थी और उसमें एक वैगनार गाड़ी बरामद हुई थी, जिसकी गाड़ी में 4 गत्ते बरामद हुए थे, ये पावर हाउस नाम के शराब। और उसकी निशानदेही पर इन्हें गोदाम पर छापा मारा कर सरैया कला में, वहाँ पर इनको 21 पेटी और मिली और नकली शराब बनाने के तमाम केमिकल और उपकरण और रैपर इत्यादि सब चीज़ें मिली। इनको देख करके मतलब बहुत आश्चर्य हुआ। पुलिस ने तत्काल इनको पूछताछ किया, इनको थाने पर लिया, लिखा पड़ी की, और जब डिटेल पूछताछ किया तो इसे मालूम हुआ कि इसमें कई लोग शामिल हैं। एक बड़ा गैंग शामिल है जो इस तरह का कारोबार व्यापार करता है। लगभग 1000 लीटर का स्पिरिट बरामद हुआ और केमिकल को स्पिरिट में मिला करके शराब बनाते थे। अगर पुलिस की माने तो छापेमारी के दौरान जो 5 लोग फरार हुए हैं वो बाराबंकी जिले के ही रहने वाले हैं, जिनकी जानकारी पकड़े गए आरोपी से की जा रही है और निशानदेही के आधार पर बाकी लोगों को पकड़े जाने का प्लान बनाया जा रहा है। बाराबंकी से महमूद आलम के साथ अजमी रिजवी, न्यूज 75.in।